तो जैसे कि हम सभी को बताएं, माइनक्राफ्ट में टाइम टाइम से नए नए अपडेट्स आते हैं एंड इन्हीं अपडेट्स की वजह से हम सभी गेमर्स को ये गेम इतना ज्यादा पसंद है। अभी रिसेंटली माइनक्राफ्ट लाइव 2022 में मोजैंक वालों ने अपकमिंग 1.20 अपडेट से रिलेटेड काफी सारे फीचर्स को रिवील किया है। इनमें से कुछ फीचर्स तो यार लिटरली बहुत अमेजिंग है एंड कुछ फीचर्स ऐसे भी है जिससे कि अपना गेम हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे एंड इसी के साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एग्जैक्टली कब ये 1.20 अपडेट माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन एंड जावा एडिशन में रिलीज होने वाला है। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब वालों ने चैनल को शैडो बैन कर रखा है, मतलब वीडियोस की रीच बहुत कम हो चुकी है। आप में से काफी लोग मुझे कमेंट्स में भी बता रहे थे बेल बटन ऑन है फिर भी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आते। अभी मुझे नहीं पता एक्चुअल में क्यों हो रहा है, बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ऑब्वियसली अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बस यही चीज बताना था। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। अभी इस अपडेट का मेरा जो फेवरेट फीचर है, एक्चुअल में फीचर नहीं, फाइनली गेम में ऐड होने वाला एक नया पैसिव मॉब दैट इज कैमल्स। मतलब कैमल्स डेजर्ट के मोस्ट कॉमन एनिमल्स होते हैं एंड इतने दिनों से माइनक्राफ्ट के डेजर्ट में से वही मिसिंग था, बट फाइनली 1.20 अपडेट में कैमल्स गेम में ऐड होने वाले हैं। कैमल्स में भी हम राइड कर सकते हैं जस्ट लाइक हॉर्सेस। अभी इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें एक साथ दो प्लेयर्स ट्रेवल कर सकते हैं, स्पीड भी काफी अच्छी है एंड हॉर्सेस के कंपेयर में कैमल्स ज्यादा लंबी जंप कर सकते हैं, तो माउंटेन एंड डेजर्ट बायोम में ट्रेवल के लिए बेस्ट रहेंगे। कैमल्स के साथ ही साथ बेबी कैमल्स भी हमें डेजर्ट में मिलने वाले हैं। एक बार टेम करने के बाद आप इनको डेजर्ट के बाहर भी कहीं पे भी ले जा सकते हो। एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये रहेगा कि कैमल्स में हम लोग चेस्ट अटैच नहीं कर पाएंगे। तो ये था 1.20 अपडेट का पहला फीचर। नेक्स्ट फीचर कैरेक्टर से रिलेटेड है। अभी तक गेम में हमें दो ही कैरेक्टर्स मिलते थे, एलेक्स एंड स्टीव, बट अभी 1.20 अपडेट में टोटल 7 न्यू कैरेक्टर्स गेम में ऐड होने वाले हैं। अभी फिलहाल तो इन कैरेक्टर्स के नेम्स रिवील नहीं हुए हैं, बट आप सभी मुझे कमेंट्स में बताओ क्या अपडेट के बाद अभी नए कैरेक्टर्स को यूज करोगे या फिर मेरी तरह एलेक्स एंड स्टीव से ही खेलोगे। इसके बाद अपना जो थर्ड अपडेट है दैट इज गेम में ऐड होने वाले हैं साइन बोर्ड्स। ये अपने नॉर्मल साइन से काफी डिफरेंट है, इनको आप कहीं पे भी टांग सकते हो एंड देखने में बहुत ओपी है। मतलब अगर आप कोई बिल्ड्स वगैरह बना रहे हो तो उसके बाहर आप इसको टांग सकते हो, देखने में काफी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट अपडेट है कस्टमाइजेबल बुक शेल्फ। मतलब अभी तक अपने गेम में जो बुक शेल्फ थे उनका एक्चुअल में कुछ यूज नहीं था, बट यहाँ पे जो ये नए बुक शेल्फ ऐड होने वाले हैं इनको हम एक्चुअल में यूज कर पाएंगे। इनमें आप नॉर्मल बुक्स, एंचेंटेड बुक्स वगैरह स्टोर कर सकते हो एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इन बुक शेल्फ को यूज करके आप सीक्रेट डोर्स भी बना सकते हो जिसका पैटर्न सिर्फ आपको पता होगा, तो उस डोर को आपके अलावा कोई भी दूसरा बंदा ओपन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो अपना फीचर है दैट इज 1.20 अपडेट में ऐड होने वाले हैं बैम्बू ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स से आप स्लैब्स बना सकते हो, स्टेयर्स बना सकते हो। मतलब नॉर्मल ब्लॉक से हम जो भी चीजें बना सकते हैं बैम्बू ब्लॉक से भी हम वो सारी चीजें बना पाएंगे एंड लिटरली अगर आप इन ब्लॉक से कैसल वगैरह बनाते हो ना, वो भी स्पेशली जंगल में, तो वो लिटरली बहुत औसम होने वाला है। देन इन ब्लॉक से हम बोट्स भी बना सकते हैं, तो बैम्बू के काफी सारे नए रेसिपीज आने वाले हैं इस अपडेट में। तो अभी से अपने वर्ल्ड में बैम्बू फार्मिंग स्टार्ट कर दो क्योंकि नेक्स्ट अपडेट में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो ये थे कुछ अपडेट्स जो कि 1.20 अपडेट में ऐड होने वाले हैं एंड इसी के साथ इस बार मॉब वोट का विनर हुआ है स्निफर, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा मॉब है एंड ये भी 1.20 अपडेट में गेम में ऐड होने वाला है। फाइनली अभी बात करते हैं 1.20 अपडेट एग्जैक्टली कब रिलीज होगा। तो देखो कुछ ही दिनों में इस अपडेट का स्नैपशॉट जावा एडिशन के लिए रिलीज होने वाला है एंड उसके कुछ दिनों बाद आपको बीटा वर्जन भी पॉकेट एडिशन के लिए मिल जाएगा। मेन अपडेट के बारे में बात की जाए तो अपडेट नेक्स्ट ईयर मार्च महीने के आसपास रिलीज होगा। तो हाँ, अभी भी कुछ महीने हमें वेट करना पड़ेगा। बाकी फीचर्स तो मुझे काफी अच्छे लगे। अभी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा फीचर आपको बेस्ट लगा। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, लास्ट संडे हमारे एसएमबी में जो इवेंट होने वाला था कुछ रीजंस की वजह से उसको हमने पोस्टपोन किया था, तो अभी वो इवेंट होने वाला है आने वाले सैटरडे यानी 22nd अक्टूबर को। अगर आपने पहले से इवेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर रखा है तो आपको वापस से फॉर्म फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं, आप सैटरडे को इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है एंड आप इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म फिलअप करो। अभी बस कुछ ही टाइम फॉर्म ओपन रहेगा, फॉर्म का लिंक पिन कमेंट में है। इवेंट में टोटल 2 गेम मोड्स रहेंगे एंड विनर को मिलेगा 500 रुपीज। एंड फॉर्म फिलअप करने से पहले मेक श्योर डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना क्योंकि इवेंट से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको वहीं पे मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि गाइस आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो। इसी तरह के गेमिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मैं आप सभी से मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।